करेंगे इस हिसाब से अब काफ़ी सुधार हो गया, पहले से एक्सरसाइजें कुछ बढ़ भी गई हैं, और अगर किसी तरह से बच्चों को यहाँ पर भी मेंटेन रखा जाए इस एक्सरसाइज से, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा निश्चित रूप से कुछ करने से। अगर हम बैठे रहते न जानते वैसे पड़े रहते तो ये बीमारी शायद और तेज़ी से बढ़ जाती और इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती, पर यहाँ पर आए हैं सीखा है। और एक्सरसाइज वैसे भी आप ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा दौड़ता है या कुश्ती लड़ता है या कुछ करता है तो उसकी शरीर में बल आता है, स्ट्रांग होता है, इसके करने से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो वो होगा ही। ये तो सोचा कि अब तो बच्चों का वो हो गया है, जीवन चौपट हो गया है, क्योंकि लाइलाज बीमारी है और ये बढ़ती जाएगी, ये सुन करके बहुत दुख हुआ। लेकिन ऐसे माहौल में आकर के अपना दुख तो कुछ कम हो ही गया कि बहुत से लोग हैं और सब लोग प्रयास करना है, हमें भी प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी जो यहाँ से मिली वो आशा की किरण मिली कि हाँ ये बीमारी हम लोग ऐसे करते रहें तो मेंटेन हो सकता है। ज़रूर आना चाहिए इस कैंप में, क्योंकि ऐसे कैंपों से जब दूसरे को देखेंगे तो उनका जो दुख है निश्चित रूप से कम होगा, उन्हें आशा की किरण आएगी, कम से कम इनको ये पता चलेगा कि हमें किस तरह करना चाहिए। लोग हमसे कुछ किसी की बेहतर लाइफ है, कुछ किसी की हमसे डल लाइफ है, सब लोग जी रहे हैं, हमें भी जीना चाहिए उसी हिसाब से और प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है।